हाई दर्शक, अमी आली, अपनी देखें यूट्यूब बांगला 10। चलो आगे बढ़ा जाक। हिंदू खतरे में है। आसले की हिंदूरा विपदे आछे, एटा किन्तु एकटा बड़ प्रश्न जाच्छे। केउ जदि बोले हिंदू भाईरा विपदे नेई, आमी किन्तु तादेर संगे एकमत होते पारबो ना। कारण भारतेर हिंदूरा चरम विपदे आछे। हिंदू भाईदेर मंदिरगुलोके भेंगे माटिर संगे मिसिए दिया होच्छे। एर परो बोलबेन जे हिंदू विपदे नेई। बीजेपी नेतारा बार बार बड़ बड़ मिचिले बड़ बड़ सबाई तारा बोले थाके हिंदू खतरे में है। ठीक कथा बोले तारा। हिंदूरा अवश्य विपदे रयेछे। तादेर मंदिर भांगा होच्छे। एर थेके बड़ विपद हिंदूदेर काछे आर किछु होते पारे ना। आमरा देखेछि मस्जिद भांगते, आमरा देखेछि गुरुद्वार भांगते, आमरा देखेछि चार्च भांगते, किन्तु आमरा देखछि आबार मंदिर भांगते। बीजेपी नेतारा बोले थाके आमरा होलाम हिंदूदेर सरकार, आमरा जतदिन थाकबो हिंदूरा किन्तु सुरक्षित थाकबे, हिंदूदेर कोनो आघात होबे ना, हिंदूरा कोनो विपदे पड़बे ना। आजके देशेर परिस्थिति एतटा खराब, এই যে ভিডিওটা দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে আসলে কি হিন্দু খাতরাই আছে। এই কথাটা যে বিজেপিরা বলে, এটা কি তাদের ভোট টানার কৌশল, নাকি এটা জুমলা, নাকি এটা মিথ্যা কথা, ধান্দাবাজি, চিটিংবাজি। ভিডিও দেখুন। हरियाणा में है, यहाँ पर केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी बीजेपी की सरकार, जो बहुत ही हिंदुओं के धर्म रक्षक है। एक तरीके से राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा बटोर रहे हैं। यहाँ पर 20-25 मंदिर हैं, 10 मस्जिदें हैं, यहाँ पर 4 गिरजाघर है जो चर्च होते हैं, एक गुरुद्वारा है जिसे तोड़ दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर की हालत, जो कि ये है मंदिर की हालत क्या है। यहाँ पे देखिए मंदिर की हालत है, ये देखिए मंदिर की हालत है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये देखिए सामने आपको मंदिर शायद दिख भी रहा होगा। ये है हिंदुत्ववादी सरकार जिसने मंदिर को इतनी बुरी तरह तोड़ा है। मंदिर का गेट है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनको तोड़ा गया है। देखिए हालत, और 80,000 एक लाख की यहाँ पर आबादी है, बहुत सारे यहाँ पर घर है, और लगातार ये बोल रहे हैं कि हम पूरा इसको तोड़ देंगे, कि अवैध रूप से आपने बनाया है। अगर अवैध रूप से बनाया है तो मैं पूछना चाहूँगी कि अवैध रूप जब बन रहा था, ये 80,000 जब यहाँ पर लोग रह रहे थे, तब इनको किसी को नहीं दिखा, तब इनकी आँखें बंद रही, पर अब इनको अवैध रूप दिख गया क्योंकि इनको अपना कंस्ट्रक्शन सब पहला बार तोड़ दिया। हम पाया पैर पाकर तो घर तोड़ दिया। मंदिर का लिया बोला था बाबा मंदिर मत तोड़ो। ये मंदिर तोड़ा गया है, ये वाला भीख मांग के तोड़ा, मैं भीख मांग के तब बनाया था ये मंदिर। और भी मंदिर तोड़े गए हैं यहाँ पे। हाँ वहाँ बनाया था। मोदी जी ने तो कहा था कि हम मतलब हिंदुत्ववादी सरकार है, हम तो सबके लिए मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर। मोदी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, गरीब को छीन रहा है हर चीज। मेरे बच्चों की मुंह की रोटी भी छीन ली। सोचा है कि जब ये झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी, जगह तोड़ दी जाएगी, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? चेहरा मर जाएंगे यहीं, चेहरा खा के क्या करेंगे? भारतेर हिंदूरा कत विपदे आछे। भिक्षा करे निये एसे मंदिर बनिएछिल, सेई मंदिरटाके भेंगे दिया, घर बाड़ी भेंगे दिया होयेछे। एरपरे आपनारा देखुन, एक बृद्ध मुस्लिम, तिनि मंदिर बनाबार जन्य जुगाड़ जाति करे निये एसेछिलो किछु अर्थ, किछु जिनिस, किन्तु सेई मंदिरटाकेओ छाड़ा हयनि। जो उस टाइम में पुलिस वाले सब आते थे, कहते थे कि एक ईंट लगाने के टाइम में आज से 20 साल कोई 25 साल के से यहाँ लोग रह रहे हैं। मंदिर तोड़ने के टाइम में हम लोग 4-5 आदमी सभा के सब यहाँ पर, लेडीज जेंट्स सब यहाँ पर बैठ गए थे। पुलिस वाले हम लोग का झोटा पकड़ के लेडीज को डंडा से मार के हम लोग का अभी भी ये तोड़े हुआ है। अभी तक यहाँ पे अभी तक हम लोग निशान अभी तक नहीं किया है। एक मंदिर ये तोड़ दिया, मंदिर है वहाँ, गुरुद्वारा आगे है, गुरुद्वारा तोड़ दिया। सरकार तो अपने आपको हिंदुत्ववादी कहते हैं, राम मंदिर मैम कहते, मगर कहाँ कोई चीज के छोड़ते, वहाँ कृष्णा जी का मंदिर है, वो कृष्णा जी के मंदिर के 3-3 बुलडोजर लगा के तोड़ा गया था। वहाँ पे तो कोई भी आदमी नहीं आया था, मैं हिंदूवादी हूँ, मेरे को ये चीज है, वो कैसे बचा जाए। मंदिर के कम से कम
हमें गुरुद्वारा कम से कम तो छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे एक हिंदूवादी सरकार थी, तो आप प्लीज ये समझ जाइए कि ये सरकार जो है किसी की नहीं है, ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, हर एक इंसान यहाँ पर रहता है। बहुत सारी मुस्लिम आबादी यहाँ पे है, बहुत सारे यहाँ पर हिंदू लोग हैं जो भगवान को मानने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो लोग हैं। गुरुद्वारे हैं, सिख लोग भी हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इनकी मशीन सब तोड़कर चले गई है, यहाँ पर पुलिस पूरा घर तोड़ दिया है इनका, ये देखो तो मंदिर का गेट दिख रहा होगा आपको, सब कुछ तोड़ दिया गया है। बहुत ही बुरे हालात है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बाइक को या हर चीज को यहाँ पर मलबों में दबा दिया गया है, हर चीज तोड़ी ही जा रही है। तो आप देख लीजिए कि हमारी बीजेपी सरकार जिसे इस कदर लोगों में बनाया गया कि हाँ भाई ये तो हिंदुओं बचाने वाली सरकार है, हम हिंदू बचाने आए हैं, तो किस तरह उन लोगों की भी हालत की गई। तो आप प्लीज सतर्क रहिए कि ये सब चीजें जो हैं हिंदू के खेल खेल के जो मुसलमान नहीं है, घटिया राजनीति करते हैं। ये देखिए वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज्यादा हिंदू है ही नहीं मुसलमान, बाकी सब हिंदू है। ये देखिए वो बता रहे हैं 80% हिंदू रहते हैं यहाँ पे। हालात देख लीजिए क्या है, आपको हर जगह तोड़ फोड़ दिए है, और ये है हिंदूवादी सरकार। मुस्लिम्स के साथ तो इन्होंने आज तक खराब किया ही है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की है, जिस तरह से मारा गया है उनको, हिंदू का ही हर चीज पर। अब देखिए अगर ये कहते हैं कि हाँ हिंदू के लिए अच्छी, तो देखिए यहाँ पर क्या हाल है। यहाँ पांच ही घर मुसलमान है सरदार कॉलोनी में, बाकी सारे हिंदू है, सारे हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। और ये हमारी सरकार जो है राजनीति करके हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है, हम जैसे लोगों को पागल बनाती है। तो कृपया करके प्लीज, यहाँ तो हम मुस्लिम होकर, आप इन लोगों के लिए आगे खड़े हुए, मूर्ति लाया, सब कुछ लाया, मुस्लिम होकर लाया। ये मुस्लिम बता रहे हैं कि खुद मुस्लिम होकर ये सब चीजें लेकर आए हैं मंदिर के लिए। चलो भाई, धार्मिक पर धर्म पर सबका एक ही है। ये देखिए आपको कितना अच्छा है, यहाँ पर एक तरीके से एग्जांपल नहीं है। जी 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 जी, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, तो यहाँ भेदभाव कहाँ है, हम तो सब मिलके रहते हैं। ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, सब एक ही हैं, और फिर भी ये सब चीजें हो रही हैं, फिर भी हिंदू मुसलमान लड़ाने के चक्कर में इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है, इस तरह से एक तरीके से। राजा फैशन कलेक्शन, एखाने आधुनिक डिजाइन नित्य नतून जीन्स पैंट टी शर्ट जूतो पंजाबी लहेंगा एछाड़ो थाकछे धनियाखाली तात बाच्चादेर एबं बड़देर शीतेर पोशाको। आमादेर ठिकाना পূর্ব ভগবতীপুর খালসেরা চোক মোড় হুগলি। আজই কল করুন 9344231502 অথবা 6381320744 নম্বরে। তাহলে আর ভাবছেন কেন, আজই আসুন আমাদের শপে। রাজা ফ্যাশন কালেকশনস, এখানে আধুনিক ডিজাইনের নিত্য নতুন জিন্স প্যান্ট টি শার্ট জুতো পাঞ্জাবি লেহেঙ্গা এছাড়াও থাকছে ধনিয়াখালি তাঁত বাচ্চাদের এবং বড়দের শীতের পোশাকও। আমাদের ঠিকানা পূর্ব ভগবতীপুর খালসেরা চোক মোড় হুগলি।